इंडियन टीवी सीरियल्स। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी की अभी। इंडिया भले ही आज चांद के साउथ पोल तक पहुंच चुका है, इंडिया भले ही आज वर्ल्ड की टॉप 5 जीडीपीज में आता है, पर जहां बात इंडियन टीवी सीरियल्स की क्वालिटी की आती है, वहां इंडिया लास्ट सीट के लिए कंपटीशन में लगा हुआ है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इंडियन सीरियल्स पहले भी ऐसे हुआ करते थे या फिर आजकल ऐसे बन गए हैं। इंडियन टीवी शोज के कंटेंट के गिरने के पीछे की वजह क्या है? क्या किसी भी प्रोड्यूसर ने टिपिकल सास बहू से हटके कोई अच्छा सीरियल बनाने की कोशिश नहीं की? एंड फाइनली इन सीरियल्स से हमारे घर की औरतों या हाउसवाइफ्स पर क्या असर पड़ता है जो इन सीरियल्स की मेन ऑडियंस है। अब आपने अपने माँ बाप को कहते हुए सुना ही होगा कि हमारे ज़माने की बात ही अलग थी, और एक हद तक देखी जाए तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। चाहे आप उनके ज़माने के सॉन्ग्स देख लो जिनके आज रिमेक्स बन रहे हैं, चाहे आप उनके ज़माने का खाना पीना देख लो या फिर उनके ज़माने की एनवायरनमेंट की कंडीशन देख लो, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी कि ये चीज़ सीरियल्स पर भी लागू होती है। उस ज़माने के सीरियल्स आज के ज़माने के सीरियल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एक बात कहूँ तो प्रोग्रेसिव भी थे। रामायण और महाभारत जैसे संस्कारी सीरियल्स के साथ साथ फौजी जो कि आर्मी के सेक्रीफाइसेस को दर्शाता है, मालगुडी डेज, तेनाली रामा, विक्रम और वेताल जो छोटी छोटी स्टोरीज से लाइफ लेसन देती थी, शक्तिमान और ब्योमकेश बक्सी जैसे इंटरेस्टिंग शोज, हिप हिप हुरे और जस्ट मोहब्बतें जैसे शोज जो कि टीनेजर्स के एक्सपीरियंस जैसे कि फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाता है, खिचड़ी, देख भाई देख, फिल्मी चक्कर जैसे कॉमेडी शोज, तारा जैसा प्रोग्रेसिव शो जो कि एक अर्बन वुमेन की लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता है, फ्लॉप शो जिसने बहुत सारे सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल सटायर पास किए, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने एक एपिसोड में गवर्नमेंट ऑफिसिस में करप्शन पर भी सटायर पास किया था, आरोहन और सी होग जैसे इंस्पायरिंग शो जो कि लड़का और लड़की दोनों को इंस्पायर करते हैं टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, हसरते जैसा प्रोग्रेसिव शो जिसमें हमारी इंडियन सोसाइटी को आईना दिखाया जाता है कि कैसे हमारी सोसाइटी कितनी रूढ़िवादी है जब बात वुमेन्स की आती है। ये सब सीरियल्स आपको आज के टाइम के सीरियल्स जो कि सिर्फ घर की लड़ाई पर बेस्ड होते हैं उनसे कुछ अलग या फिर हटके लग रहे होंगे। तो अब जानते हैं कि जो टीवी सीरियल्स एक टाइम पे इतने नेक्स्ट लेवल या फिर इतने अच्छे होते थे उनको आज के टाइम पे क्या हो गया है। तो अच्छे कंटेंट खराब होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से दो बड़े कारण हैं अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति और दूसरा कारण है एकता कपूर। अगर मैं इसके बाद एक और बात कहूं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका सारा श्रेय अगर किसी एक शख्स को जाता है तो माफ करना है, मैं फिर से नाम ले रहा हूं, वो है एकता कपूर। कौन बनेगा करोड़पति को देखकर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने एक चीज सीखी कि हम अपने शोज के बीच में पोज करके एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये चीज एकता कपूर को बहुत ही प्रॉफिटेबल लगी। इससे प्रॉफिट कमाने के लिए एकता कपूर ने अपने पहले सीरियल्स लॉन्च कर दिए जिनका नाम क्या था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की। और इन दोनों सीरियल्स में एक नई चीज थी कि इन्होंने उन परेशानियों को दिखाया जो एक औरत अपने ससुराल में फेस करती है, जो कि इंडिया के बहुत सारे घरों में औरतों को झेलनी पड़ती थी उस टाइम, जिसकी वजह से इन दोनों शोज को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अब इनको देखकर हर टीवी चैनल ने ऐसे ही शो स्टार्ट कर दिए जैसे कि साथ निभाना साथिया, ससुराल सिमर का, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाता है एटसेट्रा। अगर हमारी देश की संस्कृति अगर किसी ने बिगाड़ी है तो वो सास भी कभी बहू से शुरुआत हुई, क्योंकि 30-40 सास भी कभी बहू बनी। ये चीज एक सीधा यूटर्न थी 90s के जमाने के कंपैरिजन में कि कैसे 90s में आरोहन, तारा और सी होप जैसे शोज लड़कियों को कामयाब बनने के लिए प्रेरित करते थे और कहा ये शोज लड़कियों को परफेक्ट बहू बनना सिखा रहे हैं। फिर अब केबीसी भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था तो उसको कॉपी करके बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने अपने अपने शोज निकाले, जैसे कि सलमान खान ने बिग बॉस और SRK ने क्या आप पांचवी पास से तेज हो। अब बिग बॉस को तो बहुत तरक्की मिली जिसके नतीजन वो आज भी चल रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने और जरूरत से ज्यादा सीजंस खींचने की वजह से बिग बॉस पता नहीं आजकल क्या ही बन गया है। और बिग बॉस मुझे हट रहा है, हट रहा है मुझे, हट रहा है मुझे, हट रहा है मुझे, टूट दे टूट दे मैं। हट रहा है मुझे।
केबीसी को कॉपी करने में म्यूजिक चैनल्स भी किसी से पीछे नहीं हटे और जिसका नतीजा ये था कि म्यूजिक चैनल्स पर म्यूजिक की जगह कुछ और ही चलने लगा। द आंसर इज रियलिटी शोज। अब ये रियलिटी शोज स्टार्टिंग में तो बहुत सही थे, जैसे कि एमटीवी रोडी स्टार्टिंग में बहुत ही मोटिवेशनल और एस्पायरिंग था, लेकिन अब उसमें भी वही दिखता है जो हमें बिग बॉस में दिखता है। मैं भी बोल सकता हूं, कौन है तू, कौन है तू, उस्ताद तू बताएगा मेरे को क्या करना, पास मत आएगा उधर, डोंट टच। हां क्या ले ले, चल आ जा। हमारे हाथ उठे ना, तू बचेगा नहीं, जूनियर है, जूनियर है, मेरा जूनियर नहीं मार के जाएगा। तो अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि क्या पिछले 20 सालों में किसी भी एक प्रोड्यूसर ने कुछ यूनिक बनाने की कोशिश नहीं की। यशराज फिल्म्स ने 2010 में टीवी सीरियल्स में कुछ यूनिक बनाने की कोशिश की। उन्होंने दो नेक्स्ट लेवल टीवी शो स्टार्ट किए जिनका नाम था द माही वे और पाउडर। दोनों की ही थीम सास बहू के प्रेविलेंट सोच से बिल्कुल अलग और हटके थी। माही वे में बताया गया कि कैसे एक ओवरवेट लड़की एक प्यार करने वाला हमसफर चाहती थी, लेकिन बिना अपना वजन कम करें, ताकि वो समाज के द्वारा बनाए गए सुंदरता के नियमों को मात दे सके। वही दूसरी ओर पाउडर शो में दिखाया गया कि कैसे देश की जो NCB एजेंसी है वो ड्रग्स के खिलाफ फाइट करती है। अब ये दो सोच बाकी सोच से हटके थे, फिर भी चले नहीं। क्यों? क्योंकि सास बहू के सीरियस लोगों की रग रग में बस चुके हैं और वो इनसे अलग कुछ देखना चाहते ही नहीं है। अब लोगों को मजा ही इन सीरियल्स में लड़ाई होती है वो देखकर आता है, जिसकी वजह से इंडियन टीवी सीरियल्स में कोई इनोवेशन करने की हिम्मत नहीं रखता। अगर कोई कुछ अलग लाता है तो भी उसमें सास बहू का एंगल जरूर मिलेगा आपको, बेशक कोई भी नया नाटक देख लेना। मैंने एक शो किया था पाउडर 10 साल पहले, आज भी इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट शोस मेड ऑन टेलीविजन। वो शो नहीं चला, नहीं वो चला ही नहीं शो। मेरा ये मानना है, मैं वही कह रहा था कि जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम वो लोग हैं लाल बत्ती पे रुकते हैं तो पीछे से हॉर्न मारते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमको डिजाइन लगता है, ग्राफिटी लगता है, द चेंज बिगिंस विथिन यू। अब ये जो सास बहू के सीरियल्स आते हैं इनमें लॉजिक नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, लेकिन इन शोज में लॉजिक के साथ साथ एक और चीज मिसिंग होती है, वो चीज है कोऑपरेशन, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहना। इन शोज में अक्सर कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ता ही रहता है, और जो हर लेडी को वैम्पिश बताते हैं, हर लेडी कहती है देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसी होगी, धड़रम धम धड़रम, वो नेगेटिव कैरेक्टर का जो एक आयाम लाया उसका भी सारा श्रेय सास भी कभी बहू को जाता है। किसी शो में दिखाया जाता है कि सास कितनी बुरी है, किसी शो में दिखाया जाता है भाभी कितनी बुरी है, किसी शो में दिखाया जाता है कि पति कितना बुरा है, किसी में बच्चे बुरे होते हैं, किसी में पूरा परिवार ही बुरा होता है। बस एक शख्सियत हमेशा सही होती है और वो है हमारी संस्कारी बहू या सीरियल की लीड कैरेक्टर। और फिर इन नाटकों की सारी नेगेटिविटी जब पूरे दिन हाउसवाइफ्स के दिमाग के अंदर जाती है तो अपने खुद के फैमिली मेंबर जिनसे वो बहुत प्यार करती है उनके हर एक काम को अपने खिलाफ कोई साजिश समझने लग जाती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आप जो देखते हैं आप वही बन जाते हैं, तो उसी का एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है। इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि मतलब ये जो नाटक होते हैं इनमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका जो मेन व्यूअर होता है मोस्ट हाउसेज में जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो इनकी मेन व्यूअरशिप होती हैं, तो इनसे हाउसवाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कि वो हर बात में नेगेटिविटी को खोजती हैं। पहले आपके घर में भी कोई भी बात होगी तो उसमें सबसे पहले जो नाटक देखने वाला व्यूअर है वो उसमें नेगेटिव पॉइंट जरूर ढूंढ के लाएगा। अब इन नाटकों का एक और साइड इफेक्ट भी है, वो है हमारे समाज को और ज़्यादा रूढ़िवादी और पिछड़ा बनाना। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लड़कियां वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हैं उनको इंडिया में कैरेक्टरलेस या फिर तेज समझा जाता है, वही दूसरी ओर जो लड़कियां साड़ी या फिर इंडियन क्लोथ्स पहनती हैं उन्हें संस्कारी और दिल का साफ समझा जाता है। अब कपड़ों से संस्कार या फिर दिल के साफ होने का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अब ये बात हमारे समाज में आई कैसे? अब इसका थोड़ा सा श्रेय जाता है इंडियन टीवी शोज को। इन शोज में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो लड़की विलन होती है वो हमेशा वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती है और मेकअप करती है, और सारी दुनिया जहां के गलत काम होते हैं वो वही लड़की करती है। और वही दूसरी ओर जो लड़कियां अच्छे दिल की होती हैं, अच्छी लड़कियां
होती है उन्हें हमेशा साड़ी या फिर इंडियन क्लोथ पहना के दिखाया जाता है। इसकी वजह से इन शोज का हमारी सोसाइटी पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमने ये सब तो देख लिया कि टीवी शोज की बुराई क्या क्या है, पर इसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा। तो जहाँ तक बात है टीवी सीरियल्स की, तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम ये सास बहू के शोज देखना बंद कर दें, क्योंकि हम देखते हैं तभी इनको टीआरपी मिलती है और जब ही ये ऐसे शोज चलाते हैं। अगर एक बार के लिए ये सीरियल्स कोई देखेगा ही नहीं तो अपने आप प्रोड्यूसर्स को अच्छे शोज बनाने पड़ेंगे। The poor state of entertainment in this country, entertainment across the board, is because we have got a bunch of idiot producers. Sorry. That's the only reason why we are producing shit year after year for 100 years now. We've been producing shit and reveling in it. Thank you.